Hey everyone, so welcome back to our channel and in another video. So कैसे हो आप सब? मस्त होंगे, बिंदास होंगे और झकास होंगे. सो गाइज, मैं अभी बहुत झकास हूँ. जैसे कि आप मेरे फेस में स्माइल देख रहे हो, तो मैं बहुत ज़्यादा झकास हूँ बिकॉज आई एम हेयर एट माई नानीज प्लेस. तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है गाइज. लिटरली दिस प्लेस इज़ यू नो हैवन फॉर मी एंड बहुत मज़ा आ रहा है. मतलब बिल्कुल कितना मस्त है, छोटा है बट लेकिन बहुत प्यारा है. देखो गाइस, ये मेरी नानी का रूम है, मतलब मेरी नानी का घर है और ये मेरी नानी का बेड है. एंड द बेस्ट थिंग इज अबाउट हॉरिबल हाउस, नॉट हॉरिबल, दिस इज़ मेरी नानी का किचन. देख सकते हो कितना प्यारा है. देखिए ये नानी का गैस है. पहले तो चूल्हा हुआ करता था लेकिन अब नानी के पास गैस है. एंड पहले तो लाइट नहीं होती थी, अब नानी के पास लाइट है. अरे यार, पहले मतलब लाइट वगैरह नहीं थी तो अब बहुत डेवलपमेंट हो चुका है. सो ये मेरी नानी का रूम, मतलब ये मेरी नानी का घर, किचन सब है. ये देखो, ये नानी ने अपने बर्तन ऐसे रखे हुए हैं बिकॉज अभी नानी अकेले रह रही है. और ये रहे मेरे नाना जी. नाना जी प्रणाम, आप लोग भी बोलो नाना जी प्रणाम, समझे? तो ये मेरी नानी का घर, सब मज़ा आ रहा है. और ये रहा नानी का पूजा स्थान. और बाकी इसमें तो तुम्हें पता ही है क्या रखते हैं, कमेंट कर देना इसमें क्या रखते हैं, है ना, अगर आप पता है तो. और ये है पुरानी जमाने की अटैची, बक्सा, जो भी हुआ. और इसको क्या बोलते हैं, इसका भी नाम मुझे कमेंट कर देना क्योंकि मुझे अच्छे से याद नहीं है क्या बोलते हैं, बट बोलते हैं कुछ, जो भी बोलते हैं बता देना. सो गाइस, ये है मेरी नानी का प्राचीन काल का टीवी. और मेरी नानी का कॉल भी आ चुका था, मैं कॉल उठाती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ बात. सो हाय एवरीवन. सो जैसे कि मेरे को गाँव में आया हुआ एक ही दिन हुआ है, मतलब एक दिन हो चुका है. कल रात को पहुँची थी, तो कल थी 6 तारीख और कल पहुंची थी. और आज मैं नानी को ढूंढने जा रही हूँ यार गाइस, बिकॉज नानी ने बोला था मैं 12 बजे आऊँगी लेकिन अभी बज रहा है 11 कुछ. तो मैंने कहा 11:35 हो रहा है, तो मैंने सोचा मैं नानी को ढूंढने जाऊँ. तो मैं अकेले ही चल गई. और जंगल देखो यार, आगे बहुत भयंकर जंगल है, उस पार वहाँ नदी है दिख. तो मैं जा रहा हूँ और यहाँ मुझे बकरा दिखा. किसका बकरा है? ढूंढो अपने घर आ रहा है. खैर इसको छोड़ो, अपन चलता है, बकरे तो आते रहेंगे. जोड़े में जा रहे हैं यार. एक्चुअली इन अंकल का था वो बकरा, छोड़ो उन्हें, हम भी चलते हैं मज़े से. मज़ा आ रहा है ये जंगल देखो. अरे यहाँ बहुत स्मेल आती थी, अभी नहीं आ रही है. यहाँ से है इस वो नदी, वो उधर उस पार जाने का, पर हम चलेंगे सीधा. ऐसा है जंगल, उधर देखो, यहाँ देखो और यहाँ देखो, बगल में नदी है. और आवाज़ तो सुनाई दे रही होगी आपको स्वा करके, अच्छा है. सो मेरे नेटवर्क ही नहीं है, पता आपको गाइस, सबसे बेकार बात ये है कि मेरे नेटवर्क नहीं है. यहाँ एयरटेल का सिम लाई थी, नेटवर्क ही नहीं है भाई. देखो ये मज़ा बहुत आ रहा है इन जंगलों में चल के. वेदर बहुत बढ़िया यार, वो देखो व्यू इज ऑसम, मज़ा आ रहा है. मैं तो जा रही हूँ, नानी गई है घास लेने के लिए, मतलब यहाँ गांव में बोलते हैं गाजियो, तो नानी जा रखी है गाजियो लेने के लिए. और मुझे नहीं पता कहाँ जा रही थी, बट ये है कि इसी रास्ते से गई है, यहीं से जाते हैं और आएगी यहीं से. मैंने सोचा कि नानी के लिए भारी होगा, बाकी मैं सब्ज़ी वगैरह बना के आ रखी हूँ, आटा गूंथ के घर में जाके मस्त रोटी बनाऊँगी, नानी के साथ खाऊंगी, तब मिलूंगी आपको. ये देखो यार, इतना मस्त व्यू है ना भाई, इतना मस्त, मतलब क्या बताऊँ आपको, बढ़िया करके है, मज़ा आ रहा है. अकेले हूँ यार, कोई साथी नहीं है. और घर से भी, देहरादून से भी अकेले आई थी मैं यहाँ, और अभी भी जंगलों में अकेले जा रही हूँ. देखो क्या सॉलिड व्यू है ना, देखो बढ़िया यार. और यहाँ देखो, यहाँ नहीं, यहाँ देखो, ऐसे करो, ऐसे करो, मैं बकरी की आवाज़ निकाल रही, पता नहीं किसकी, है ना, किसकी बकरी हो भाई, मैं जा रही हूँ अभी, पता नहीं किसकी बकरी है, मुझे कभी नहीं पता. और है बहुत सारी बकरियाँ, देखो किसकी बकरी है, वहाँ से ग्वाला आ रहा है. सो गाइस, मुझे कोई दादी मिल गई थी, मुझे पता भी नहीं, चलो चलती हूँ वहाँ पर, नेटवर्क जा रहा है. देखो इतना भारी वर्कअप, यहाँ से देखो. मैं चुप हो गई थी क्योंकि मैं बोल नहीं पा रही थी. ओके, कौन सी यहाँ मिली,
मैं अभी यहाँ नेटवर्क देखूँगी अपने, तो नेटवर्क आ रहे होंगे तो थोड़ा फ़ोन चलाऊँगी फिर चली जाऊँगी घर, समझे। नानी को भी ढूंढ आई थी लेकिन नेटवर्क देखूँगी अपने। यार देखो मस्त भी हो ना। और ये रास्ता है हमारे देवी थाने का, हमारे देवी थाने मंदिर का, बहुत मस्त मंदिर है, आओ दर्शन करो, जय हो माता रानी। ये देखो एंट्रेंस कितना प्यारा है, देख रहे हो वो है मंदिर अंदर। अभी जा नहीं रही हूँ गाइस, इधर को ही चेक कर रही हूँ मेरे नेटवर्क आ रहे कि नहीं आ रहे, तब मिलती हूँ। प्लीज़ गेस व्हाट, मेरे नेटवर्क आ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा मतलब वो करती हूँ मंदिर का ब्लॉगिंग। देखो ये देवी थाना मंदिर है और नीचे भी मंदिर है, जय हो माता रानी, हमारे संपूर्ण घर में सुख शांति प्रदान करना और सद्बुद्धि प्रताप करना मेरे दो अनमोल भाइयों को, बहन को, मम्मी को और डैडी को, अम्मा को, मौसा को, मौसी को, सारे महार परिवार को। और देखो यार गढ़वाली लोग इनको बुग्याल बोलते हैं ना, ऐसा है हमारा, तो यहाँ से ढल गए तो गए। और नदी, नदी थोड़ा आगे से दिखाती हूँ, बहुत मस्त है नदी भी, बढ़िया। चलो सो गाइस आज का ब्लॉग यहीं तक है, मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के ब्लॉगिंग में सिर्फ मैं ही थी तो आपको पता तो चल ही जाएगा कि मैं घर आ रखी हूँ।